हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं अरबी के बारे में। अरबी को अपन गमले में भी लगा सकते हैं और ग्राउंड में भी लगा सकते हैं। अरबी जो अपन मार्केट से लेके आते हैं वही अरबी लगती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो मार्केट से लाई हुई अरबी है, इनके अंदर कुछ अरबी ऐसी आ जाती है जिनके अंदर स्प्राउट हुए हुए रहते हैं, यानी कि इनके ऊपर से हल्का हल्का, आप ध्यान से देखेंगे तो ये हल्का सा पत्ता जैसा आपको निकला हुआ दिख जाएगा। ये देखिए, ये पूरी स्प्राउटेड बल्ब्स हैं। इनको अपन ग्राउंड में या गमले में बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। और ये देखिए, इसके अंदर पूरा स्प्राउटेड बल्ब है ये। तो इस प्रकार से 4-5 बल्ब जिनके अंदर स्प्राउटेड हों वो आप निकाल के अलग कर लीजिए। और ये मैं गमले में ही लगाऊंगा, इस वजह से मैं इनको पहले, ये जो नर्सरी बैग आते हैं इनके अंदर हल्की मिट्टी डाल के और मिट्टी के अंदर दबा दूंगा। मिट्टी पोरस होनी चाहिए जिससे क्या ये जल्दी से स्प्राउट हो जाए। और मिट्टी को अपने को वेट नहीं करना, यानी कि ज़्यादा गीला नहीं करना है, बस नमी बना के रखना है। और ये मैंने 1-2 बल्ब हैं जो इसकी मिट्टी में भी लगा रहा हूँ, यानी कि नीचे ग्राउंड में भी लगा रखा हूँ। तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप लगाइए ये। और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और इसी वीडियो में आप, मैं इसका रिज़ल्ट भी शेयर करूँगा, पूरा अपडेटेड वीडियो है, आप देखिए। और इनको गमले में कैसे लगाना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। ये मैंने इनको छोटे पॉलीबैग हैं इनके अंदर लगा के छोड़ दिया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ये, क्योंकि ऑलरेडी स्प्राउटेड है, तो ये 5-7 दिन के अंदर ही आपके पत्ता निकल जाएगा इनके अंदर से, मतलब स्प्राउट हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने जो लगाए थे उनमें से कुछ बल्ब स्प्राउट हो गए। ये देखिए, एक तो पूरा फुल बड़ा इसके अंदर लीव्स निकल चुकी है, देखिए कितना बड़ा निकला है। इसी प्रकार से ये सारे निकल जाएंगे। ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है, अगर आप अपने गमले में लगा के इसको अपने टेरेस पे कहीं पोर्च में रखें तो बहुत अच्छा लगेगा। बड़े बड़े पत्ते इसके निकलते हैं। मैंने इसके लिए एक 9 इंच का गमला लिया है, बॉटम में होल होना चाहिए गमले के अंदर। ये नीचे मैंने कुछ इसके अंदर पत्तियां वगैरह डाल दी है, और जिससे कि ये पत्तियां भी खाद बन जाएगी इनकी। हाफ इसके अंदर मैं मिट्टी भर लेता हूँ। हाफ मिट्टी भरने के बाद में ये जो मेरा बना हुआ है, जिसके अंदर पत्ती निकली हुई है, वही वाला मैं इसके अंदर डालूंगा। ये मैंने इसको पॉलीबैग को कट कर लिया है। कट करने के बाद में देखिए कितनी अच्छी रूटिंग हुई है इसकी, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए आप, अगर इसको अपन पॉलीबैग में ही लगे हुए रहने देते तो ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता, इसलिए अब अपने को इसको गमले में शिफ्ट करना पड़ेगा। रूट बॉल को आपको छेड़ना नहीं है, एज इट इज इसको ऐसे कैसे गमले के अंदर रखना है। ये देखिए, मैं अब इसको, जो अपना 9 इंच का गमला था उसको तैयार कर लिया मैंने। उसको हाफ इसके अंदर मिट्टी भर ली है। मिट्टी आप अच्छी तैयार कीजिए, 30% के समथिंग इसके अंदर कंपोस्ट डाल दीजिए। कोई भी कंपोस्ट हो, चाहिए आपके वर्मी कंपोस्ट हो, काउडम कंपोस्ट हो, लीफ कंपोस्ट हो, वो डाल दीजिए। ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, साइडों से इसको पूरा भर लीजिए। और फर्स्ट टाइम वाटरिंग कर दीजिए, वाटरिंग अच्छी कीजिए फर्स्ट टाइम। बाद में इसके अंदर नॉर्मल पानी देना है, क्योंकि ज़्यादा इसको पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और ये बिल्कुल बहुत ही सुंदर तरीके से इसके पत्ते खिलते जाएंगे। पहला पत्ता छोटा आएगा, दूसरा बड़ा आएगा, तीसरा उससे भी बड़ा आएगा। इस प्रकार से पत्ते बड़े होते जाएंगे और नीचे इसके अरबी बनती रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर